हाय एवरीवन। सो हम लोग आज बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पे आए हैं, पाउडर्स। हमने यूट्यूब पे डाला था कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कि पाउडर्स के बारे में जानना चाहते हैं, कौन से पाउडर्स हम यूज कर सकते हैं अपने क्लाइंट पे या खुद पे। सो बहुत सारे लोगों ने बोला था, मैम पाउडर्स पे दो इंट्रोडक्शन, मैम मुझे बताओ मुझे बताओ। सो हम लोग इसीलिए स्पेशली बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पाउडर्स पे वीडियो। सो पहले मैं बताऊंगी, हमने पूरी रिकॉर्डिंग की और ये पाजी ने जरा माइक लाया, ए माइक पता नहीं ओ सी की सी आई डोंट नो। तो सारा जुलूस निकल गया, वीडियो रिकॉर्ड होगी बट वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। मेरी इतनी सोहनी वॉइस जड़ी विक रही है और रिकॉर्ड नहीं हुई। तो सानू सारी मेहनत दोबारा करनी पै रही है। तो कोई गल नहीं, तुहाडे लिए सिर्फ तुहाडे लिए असीं होर वीडियो बना रहे हैं, सेम वीडियो अपनी आवाज के नाल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला पाउडर बताऊंगी आपको। आप लोगों ने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा, लॉरा मर्सियर आता है, द शेड इज ट्रांसलूसेंट। ये एक्सपेंसिव है बट वर्थ बाइंग है। ऐसा कलर मार्केट में एकदम सिमिलर शेड कोई भी नहीं आया। सो इसका पहले मैं कलर दिखा देती हूँ। इट हैज अ येलो टिंट इन इट, व्हाइट एंड बीच में येलो मिक्स है। तो ये मैं बहुत ज्यादा लगाती हूँ अपने क्लाइंट्स को, जो मेरे जैसा कॉम्प्लेक्शन है या फिर मेरे से थोड़ा सा डीपर कॉम्प्लेक्शन है, थोड़ा सा समझे थोड़ा यार, ए नाल ना सुनना है मैं कितना बंदे लगानी है राइट। तो उन पे ये बहुत अच्छा जाता है फॉर सेटिंग देयर होल फेस। अगर मुझे खुद को थोड़ा सा लिफ्ट करना है तो मैं इससे थोड़ा सा फेयर लगाती हूँ समझे। अगर मुझे न्यूट्रल दिखना है लॉरा मर्सियर लगाती हूँ, अगर मुझे थोड़ा सा माइनस सा फेयर दिखना है तो मैं एक और पाउडर है वो लगाती हूँ। बट ये शेड मेरे ऊपर बहुत अच्छा जाता है अगर मुझे रूटीनली या फिर मुझे कहीं पे भी जाना तो सेट माई फेस। और इसके जैसा सिमिलर शेड बता रही हूँ, कुछ हद तक सिमिलर, दिस इज फ्रॉम अ रिकोड शेड। मैं तुम्हें मेंशन करूंगी नीचे, इतने मैंने शेड नहीं पता है ये। आप लोग, आपको इसका भी डब्बी खोल के दिखाते हैं और उड़ जाता है, दैट्स वेरी इरिटेटिंग। सारे यू कैन सी ये बहुत हद तक लॉरा मर्सियर जैसा शेड है। थोड़ा सा माइनस येलो थोड़ा ज्यादा होएगा बट ये शेड मुझ पे, देखे पाउडर देखिए कितना उड़ उड़ जा रहा है मुझ पे, मेरे से हल्का सा डीप कॉम्प्लेक्शन पे, मतलब जो मेरे से थोड़े से डार्क है उन पे भी बहुत अच्छा जाएगा टू हाईलाइट देयर फेस। तो अगर आप लोग ये वाला नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, गो एंड ग्रैब दिस वन, दिस रिकोड वन, दिस इज अमेजिंग। द कलर इज रियली नाइस। सो हुडा का अगर मुझे हाईलाइट करना है अपने फेस को, मैं बहुत सोनी रात के फंक्शन से पार्टी से जा रही हूँ, सपोज इट वो पहले वाला जरा दस मैं सवेर के फंक्शन से जा रही हूँ, हूँ वाला मैं रात के फंक्शन से जा रही हूँ, मैंने थोड़ा ये लिफ्ट करना अपने फेस को। या फिर आप बोल सकते हो मेरे से गोरे कॉम्प्लेक्शन वाले लोगों के लिए, मैं यूज करती हूँ हुडा ब्यूटी का कपकेक शेड। ये इसके अंदर ये थोड़ा सा लॉरा मर्सियर से वाइटर है और लिफ्ट ज्यादा अच्छा करता है। इट मीन्स कि ये थोड़े से फेयर लोगों पे भी चलेगा। इसका जो ड्यूप है, इसका पिगमेंट अमेजिंग है, पाउडर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं हुडा के, ठीक है। इसका जो मैं ड्यूप निकाला है ना, ये के ब्यूटी एकदम सिमिलर लगता है मुझे शेड, और इसका शेड इज वनीला। ये आप जाके मार्केट से, अगर आप ये नहीं अफोर्ड कर सकते ना तो आप ये वाला ले लो यार जाके। मैं कभी कभी आजकल कपकेक नहीं लगाती हूँ, मैं भी कभी कभी बजट फ्रेंडली लाना चाहती हूँ तो मैं वनीला लगा जाती हूँ। ये बहुत अच्छा पाउडर है, इसका पिगमेंट बहुत अच्छा है, ये गोरे बंदों पे बहुत अच्छा चलता है, या किसी को थोड़ा सा येलो लग रहा है उसको लिफ्ट करना है तो बहुत अच्छा चलता है। सो सी दी शेड, पाउडर की क्वालिटी मक्खन जैसी है, इट्स सो अमेजिंग। ये ए वाला लेसर दो, तुसी ग्रैब दिस पाउडर, तुसी मैनू थैंक यू लिख के भेजोगे उस तो बाद कि मैम क्या पाउडर का कलर बताया, इट्स अमेजिंग क्वालिटी। सो अगर आप हुडा का कपकेक यूज कर सकते हो या फिर के ब्यूटी का वनीला यूज कर सकते हो, नहीं तो सिर्फ के ब्यूटी वनीला यूज करो यार, तो उन्होंने पैसे खर्चने की लोड़ की है, फाउंडेशन ले ली वजिए रही थोड़ी, ठीक है। सो दिस शेड इज अमेजिंग फॉर फेयर पीपल ऑल्सो। एक पाउडर बता रही हूँ जो फेयर कॉम्प्लेक्शन पे बहुत ज्यादा चलता है, ये मुझे लगता है जो मेकअप आर्टिस्ट होंगे उन्होंने या तो यूज किया, अगर नहीं यूज किया तो ट्राई दिस पाउडर, यू गोना लव इट फॉर फेयर पीपल। सो दिस इज फ्रॉम मेकअप स्टूडियो। ये पाउडर दी क्वांटिटी बहुत ज्यादा इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है। आई थिंक दिस इज अराउंड लाइक 3,000 2,500, और गलत दसे इट्स 2,140, ठीक है। सो आप वाला पाउडर दिखानी हो, ये वाइट है थोड़ा सा, मतलब एक होता है बिल्कुल चिट्टा पाउडर, यू नो मैं नॉर्मली सबको बोलती हूँ एक्सट्रीम व्हाइट एकदम से डायरेक्ट फेस पे मत यूज किया करो, कभी कभी एशनेस आ जाती है लोगों पे। तो ये कलर बहुत सुंदर है अगर आपने फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले लोगों पे यूज करना है। ये व्हाइट भी है, माइनर सा इसके अंदर टिंट भी है, सो दिस पाउडर वर्क्स अमेजिंग फॉर द क्लाइंट। तो ये वाला पाउडर मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, और इसके फ्लैश बैक्स बिल्कुल नहीं है, पिक्चर्स बहुत अच्छी आती है। सो दिस इज फॉर मेकअप स्टूडियो। तो एक पाउडर दस रहे हैं जो हर एक वैनिटी भी होता है पर यूज करना नहीं आता, चिट्टा चिट्टा पाउडर। ओके सो आरसीएमए का आता है दिस व्हाइट पाउडर। ये बहुत ज्यादा हाइट पाउडर है, सो नॉर्मली हम लोग फेयर लोगों के लिए
के लिए यूज करते हैं, या फिर मैं बोलूंगी उन लोगों के लिए जब हमें लगता है ना कॉम्प्लेक्शन थोड़ा लिफ्ट करना है, मैंने सारी पाउडर सेटिंग करी, सब कुछ हो गया, फिर भी लग रहा है यार बंदे का ना फेस का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा मीडियम मीडियम सा लग रहा है, लिफ्टेड नहीं लग रहा। तो आप लोग अगर कॉम्पैक्ट से सेट नहीं करना चाहते तो आप लूज पाउडर से सिर्फ बेक करना चाहते हो, देन ट्राई दिस पाउडर, वाइट पाउडर्स। मेरे मुझे लगता है बेकिंग पे ज्यादा यूज करती हूँ, डायरेक्ट यूज कम करती हूँ या फिर फेयर पीपल के लिए। अब ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव नहीं बोल सकते, क्वांटिटी ज्यादा इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव लग सकता है, तो मार्केट में बहुत सारे व्हाइट पाउडर्स मिलते हैं। सो फॉरएवर में भी आता है व्हाइट पाउडर, एरा नंबर है 001, बिकॉज ये 1 नंबर पे आंदा है, ये चिट्टा रंग है। सॉरी अभी ना थोड़ा ये हंसा मजाक बढ़िया लग रहा है, इतना सीरियस टॉपिक है ना, इसमें हंसा मजाक कोई नहीं रहा है यार। ओके सो यू कैन सी दिस इज व्हाइट टोन पाउडर, ये मैं ज्यादा बेकिंग के लिए, बहुत एक्सट्रीम फेयर के लिए, या फिर मिक्स दी पाउडर्स, हल्का सा व्हाइट चेंज मारने मिक्स मुक्स करना होवे सो तब यूज कर लेती हूँ। सो ये भी वैनिटीज में व्हाइट होना चाहिए फॉर द पीपल हु आर मेकअप आर्टिस्ट। ओके गाइस, तो बोल सकते हो जो थोड़े से मीडियम से थोड़े डीप कॉम्प्लेक्शन वाले होते हैं उनके लिए भी पाउडर होना चाहिए। मैंने ड्रग स्टोर में ज्यादा जल्दी कोई अच्छा येलो टेंट पाउडर नहीं मिलता है अनटिल अनलेस रिकोड का मैंने आपको बताया था शेड। तो ये वाला है, दिस इज हुडा का बनाना ब्रेड पाउडर, ये लॉरा मर्सियर से थोड़ा ज्यादा येलो है, ये बहुत अच्छा जाता है बट थोड़ा सा डीपर कॉम्प्लेक्शन के लिए, थोड़ा सा जिनको येलो ज्यादा चाहिए, राइट। बट मार्केट में जो मिलते हैं वो मिलते हैं जैसे फॉरएवर का येलो, थोड़ा एक्सट्रीम येलो मिलते हैं, तो तुम लोग ये ग्रैब कर लेते हो कि हाँ भाई कॉम्प्लेक्शन ज्यादा डार्क है तो हम येलो रंग ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मिलते हैं। बट मैं सबको बोलूंगी एक बार मेरे कहने पर मिक्सिंग करके देखो पाउडर्स की, इसके साथ मिक्स अ रिकोड का पाउडर, रिकोड का पाउडर देना, या फिर आप थोड़ा सा व्हाइट टिंट पाउडर यूज कर सकते हो। तो इन दोनों को थोड़ा थोड़ा मिक्स करो, मीडियम बना लो शेड, उसके बाद ट्राई करो, यू गोना लव द यू नो जो कलर निकलेगा ना इसके बाद, ये मिक्स कर सकते हो या फिर आप मेकअप स्टूडियो मिक्स कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि थोड़ा ज्यादा येलो पीला रंग है, जिवें कहते हैं ना कि लड्डू पीला रंग है, तो मेकअप स्टूडियो में मैं थोड़ा थोड़ा इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करती हूँ, उसको हम लोग शेक करते हैं, मिक्स हो गया पाउडर, एंड देन वी टेक दी पफ एंड वी ब्लेंड इट, और मे बी यू कैन ब्लेंड इट विद द ब्रश ऑल्सो। ये टेक्निक कितना लानी है वो मैं अगे दसागी, बट अच्छे पाउडर्स के बारे थोड़ा ही जान लो, मैंने पता है कई वासियां आ रही होनी है कि ज्यादा ही डीप दस रहे हैं, पर जो मेकअप आर्टिस्ट है वो इंजॉय करेंगे इस वीडियो को क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, राइट। सो येलो पाउडर कैसे यूज करना मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट, क्योंकि हर बंदा जाके हुडा ब्यूटी ग्रैब नहीं कर पाता है, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे पता है इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, आपने और भी चीजों में इन्वेस्ट करना, तो आप लोग थोड़े ड्रग स्टोर या फिर बजट फ्रेंडली आप लोग पाउडर्स बाय कर सकते हैं मार्केट से। तो हुण वारी आ रही है मैजिकल पाउडर्स, जो हुण हुण मार्केट दे विच आए हैं, बहुत सारे लोगों ने आ देख लिया है डब्बी बंद करी है टक टक लाई है। ओके सो बहुत सारे लोग तुम लोग देखोगे कि पिंक पाउडर आ गया मार्केट में, पहले बार तो पिंक पाउडर करता क्या, देखो करेक्शन करता है हमारे फेस में, हमें लगता है कहीं पे थोड़ी सी डार्कनेस रह गई है, मतलब डेप्थ ज्यादा दिख रही है, या फिर आप बोल लो हाइलाइटर नहीं लग रहा है फेस, तो हमारे हम लोगों के लिए ये पिंक पाउडर्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। कहीं पे आपको लग रहा है ना हल्की सी एशिनेस दिख रही है या हल्का सा दबा दबापन लग रहा है, बट एशिनेस भी नहीं है, दबा दबा पर लिफ्ट भी नहीं आ रही है, तो ये पिंक पाउडर लो फ्रॉम फॉरएवर 52, इसकी क्वालिटी अमेजिंग है। मैं बहुत सारे आजकल के क्लाइंट्स को लगा के भेज रही हूँ, फोटोज बहुत अच्छी आती है, बिल्कुल भी आपको पता है कैप्चर करने में फ्लैशबैक्स नहीं है, तो मैं आपको पहले तो कलर दिखा देती हूँ। तो बहुत बार ऐसा होता है जब हमने मेकअप कर लेता उसके बाद आपको लगता है कभी कभी कि यार पीला पीला लग रहा है, पीला पीला बड़ा लग रहा है, फिर करेक्ट नहीं हो रहा, फिर तुम कॉम्पैक्ट चक दो, कॉम्पैक्ट लाना जाने हो चिट्टा करने पीछे। तो उसकी जगह मैं बोलूंगी जब आपको बहुत लगता है कि आपने गंदी सी वॉर्म टोन फाउंडेशन उठा ली, पाउडर भी कर दिया, फिर भी पीली पीली लग रही है लड़की, ग्रैब दिस पर्पल पाउडर, यू जस्ट नीड टू टेक दिस, प्रेस दिस उन एरियाज पे जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा येलोनेस लग रही है, एंड थोड़ी देर के बाद जब आप उड़ाओगे तो वो येलोनेस, ये नहीं बोलूंगी एकदम गोरी लगने लगेगी, थोड़ी न्यूट्रल हो जाएगा कलर, राइट। सो आप लोग ये पर्पल पाउडर यूज कर सकते हो, तो आपको पता होना चाहिए पिंक एंड पर्पल में डिफरेंस क्या है और कौन सा पाउडर कब यूज करना है। मेरे बच्चे कहते हैं बाय करो यार इनकी नॉलेज ना दो मैम, तो इससे ज्यादा नॉलेज चाहिए। हमारा प्रोकोर्स निकल रहा है विच इज स्टार्टिंग ऑन 4th of March, ये हमारा सीजन का फर्स्ट प्रोकोर्स है, तो बहुत सारे मैसेजेस कॉल्स आते हैं हमें, मैम कब निकाल रहे हो, ऑनलाइन ऑनलाइन भी निकालेंगे, बट जो लोग आ सकते हैं प्लीज साढ़े को आके देखो, तुम बहुत मजा आऊंगा, यू गोना लव दी क्लास, आपको हिंदी पंजाबी सब में सिखाया जाएगा, मतलब प्यार से सिखाया जाएगा, डीप नॉलेज दी जाएगी,
पाउडर्स इतने नहीं है मेरे पास, पाउडर और भी बहुत सारे हैं जिसके बारे में हम लोग इन डिटेल्स बात कर सकते हैं, बट फिर भी मैं ट्राई किया कि आपको इजी बीजी वे से बहुत सारी चीजें डिस्क्राइब करें, राइट? तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज आप लोग बहुत सारा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, एंड बहुत सारा शेयर कीजिए ताकि और ऐसी यूजफुल एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें, आपको एजुकेट करते रहे, और तो सामने दे प्यार करते रहो, सारे सब्सक्राइबर्स बताते रहो और सारे ब्लेसिंग्स देते रहो। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।